सीमा हैदर और सचिन मामले की पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ये बयान तब सामने आया है जब वे सीमा और सचिन से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसी दौरान एपी सिंह ने सीमा के बचाव में यह तक कह दिया कि क्या सीता माता वीजा लेकर नेपाल से भारत आई थी। दरअसल वे दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में सीमा हैदर से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि और भी ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, फिर भी भारत में शान से जी रही हैं। सीमा अब भारत की बेटी है क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। साथ ही कहा कि सीमा अवैध रूप से भारत नहीं आई है, उसके पास नेपाल का वीजा था, उसके बाद वो भारत में घुसी है। नेपाल से हमारे रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। बता दें कि एपी सिंह वह वकील हैं जिन्होंने निर्भया केस की पैरवी की थी। वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों में से एक हैं। क्या बात, मिलने आए, मिले, वो स्वस्थ रहे, बीमार थी तो उनको देखा, उनके बच्चों से मिले और उनके बारे में सारी जानकारी की जो उन्होंने मुझे अब तक फोन पे बताया था, जिस आधार पर हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई थी उसी आधार को उन्होंने सब माना। मैंने एक ही बात कही, कोई एजेंसी एटीएस पूछताछ कर रही है, सीबीआई करे, एनआईए करे, रॉ करे, आईबी करे, कोई भी करे, जिसकी करवा लो, सच बोलना, सच के साथ ईश्वर परमात्मा है, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होगा। और उसी आधार पर हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई है और उसी आधार पर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। उनका परिवार है, उनके सब लोग हैं, गांव के लोगों ने, यहां गांव के रघुपुरा के लोगों ने फलेदा मोड़ से इतना बड़ा स्वागत किया, इतना जबरदस्त स्वागत किया, मैं उससे अभिभूत हूं, कर्जदार हूं। और वो स्वागत सिर्फ मेरा नहीं है, मैं समझता हूं स्वागत इस देश के सभी एडवोकेट का है जो दीन दुखी परेशान बेसहारा गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए करना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद हूं, करता हूं और उनकी मालाओं का कर्ज फर्ज के साथ पूरा करता हूं। कितने आश्वस्त हैं? जैसे इस देश में हजारों लोगों को नागरिकता मिली, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, वर्मा मला से, जैसे तिब्बत से आए हुए लोगों को, हजारों लोगों को दलाई लामा के समय और 1971 में रोहिंग्या के समय जो जो नागरिकता जैसे मिली है और लोगों को उसी से नागरिकता मिलेगी। और देश की बहू है और यहाँ लोगों ने उनसे प्यार दिया है और उसके प्यार को पूरा समाज उसके साथ।